ऑलराइट गाइस, फिलहाल हम बरसूड़ से निकल गए आगे से चाय पानी पी के, अब चलते आगे। एक छोटा सा बुग्याल है ये, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। मस्त हो रखा बुग्याल ना, बुग्याल ही बोल दो यहाँ पे। और ऑलमोस्ट वही मतलब कि इस पहाड़ के पास में आ गए सारे, ये रही हमारी गैंग। और इस साइड पूरा फोक फोक हो रखा है, कितना बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अब पता नहीं कब ये टाइम मिलेगा सारा, और चलते हैं ऊपर और देखते ही देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा घाम आ गया, धूप आ गई यहाँ पे, और नीचे फोक फोक, यहाँ पे हमारी पूरी सेना आ रही है, अग्रिम सेना भर। ठंडा है बट अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम चल रहे हैं। अगर थोड़ी देर हम जैसे चाय पीने रुके थे वैसे ठंड भी लग रही थी ना, फिलहाल ये मेरी पूरी सेना आ रही है। मेरे ब्लॉग में देखा होगा वहाँ पे सनराइज होता है, जो मॉर्निंग की व्यू बनाता हो, वो पतला रास्ता हमारे घर से देखता है, वो इस पहाड़ के पीछे से वो सामने देखता है, यही वो जगह है। मैं सोच रहा था एक बार बाइक से जाओगे इस पहाड़ के पीछे 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 होके यहाँ से, फिलहाल हम पैदल ही पहुँच गए यहाँ पे। चाचा और अंकी पीछे, बाकी हम सब आगे, और यहाँ पहुंच चुके आगे गाँव में। अंकी कौन सा गाँव है ये? सकरोड़ी पहुंच चुके हैं हम। ऑलराइट गाइस, हम पहुंच चुके हैं सकरोड़ी, भयंकर हम तो गाड़ी से भी तेज चल रहे हैं यहाँ पे, और पीछे आ रहे हैं हमारी गैंग। और पीछे मौसम, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, नहीं बढ़िया चल रही है ना हवा। और अभी चलते जा रहे हैं, अभी तो शायद मेरे ख्याल से हमने आधा रास्ता भी नहीं कवर किया होगा मेरे ख्याल से, बाकी मेरे को अभी एक्चुअल में पता नहीं है। चले जा रहे हैं अभी सामने सकरोड़ी गाँव, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। चलो भाई, हमारी पलटन अभी पीछे है। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी आपको, यहाँ से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है एकदम। और ये चेक करो, कितना बढ़िया व्यू है। जोर से बोलो, जय माता दी, जय हरियाली देवी के। रेड गाइस, सो हम फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से सकरोड़ी गाँव से। अब यहाँ से धूप भी आ गई निकलते निकलते, और थोड़ी देर रुके थे हम चाय पानी पिए और निकल गए। जय माता रे, जय माता रे, जय माता रे, जय माता रे, जय माता दे, जय माता दे, जय माता दे, जय माता दे। अब आ गया जंगल, हम जंगल के रास्ते जाना है हमने यहाँ से। चलो अब जंगल के रास्ते चलते हैं। हमारे पीछे पूरी पलटन आ रही है, यहाँ पे सारे साथ में ही हैं। ये देखो अभी तीन पीछे छूट गए, चाचा सब। फिलहाल चलते हैं अब यहाँ से। हाँ, जैसे हम रुक रहे हैं ना थोड़ा बैठने के लिए, वैसे ही बारिश आ रही है, और जैसे चल रहे हैं वैसे बारिश बंद हो रही है। ये है जंगल का रास्ता, भयंकर। यहाँ हमको 2.5 घंटे लगे सकरोड़ी गाँव तक आने में। हाँ हाँ, क्या बढ़िया रास्ता ये है ना। और हमने यहाँ पे नीचे वाला जंगल पार कर दिया, ये जो जंगल एरिया था हमने सारा पार कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा बैठे हैं फल फूल खाने के लिए। अभी हमने इसके ऊपर जाना है, वो वहाँ पे पीछे क्या कहाँ पे, यहाँ पे कुछ है। अच्छा, बाकी हमारे ही ये गैंग आ रही है जंगल के पीछे, बाकी भूपी चाचा और तो वहाँ पीछे ये जंगल में बता दी कहाँ पे। चलो अभी चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे। गाइस, फिलहाल ये हमारी गैंग आधी आगे आ गई, बाकी वो डोली के साथ आ रहे हैं, वो देखो नीचे वो आ गए, क्योंकि भूपी चाचा ये सब पीछे रह गए थे ना, तो उनके लिए थोड़ा रुके हुए थे, वो जंगल के बीच में थे, पर आ गए यहाँ सारे। चलते यहाँ से ऊपर, तब तक हम वो ऊपर तक पहुँचते हैं। तो ये रास्ता देखो यहाँ पे, क्या कच्चा कच्चा रास्ता है यहाँ पे, भयंकर की मैं तो नंगे पैर ही आ गया। ये देखो आप जाएंगे तो नंगे पैर ही जाएंगे ऊपर, आते समय देखेंगे रास्ता कैसा है, टूटा फूटा, मतलब कि भयंकर की क्लाउड चेक करो, क्या बढ़िया लग रहा है। वाह भाई, क्या मस्त लग रहा है क्लाउड क्लाउड। देखते देखते यहाँ पे धूप भी आ गई है, कितना बढ़िया लग रहा है पीछे। ये देखो यहाँ पे फोटो अच्छी आएगी। ये देखो बाकी हम, यहाँ पे मंदिर भी है, ये भगवान जी का, पहाड़ों में ऐसे मंदिर बनाते हैं यहाँ पे।
कितना अच्छा व्यू है। हमने अभी कहाँ जाना है? इधर इधर को चा, अभी हमने इस साइड ही जाना है, इस साइड जाना है हमने। मुझे लगा था हमने वो पीछे वाली साइड जाना है, बट हमने यहाँ आगे की साइड जाना है। रेड गाइस, फिलहाल हमारा यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, फल का। ये देखो क्या क्या, संतरे ये रहे, संतरे, नारंगी, केले, कुले हम सब ला रखे थे, फल फ्रूट। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते और खाते, तब तक हमारी नोना गैंग भी पीछे पता नहीं कहाँ रह गई, और नीचे जंगल में होंगे, वहाँ पे ब्रास भी लग रखे हैं, और जंगल में है। और यहाँ पे हम थोड़ा फल फ्रूट खाते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। कितना किलोमीटर चल गए होंगे चाचा हम? कितना किलोमीटर चल गए? हम चल गए हैं 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर, ठीक है। और ये फल फूल देवे, किले किले, चलो भाई यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हैं। बंदर सेना यहाँ पे हमारी, वो हमारी अग्रिम सेना आ गई, वो जय माता दी। ये तो पीछे है, पीछे वाले, आजो आजो, थोड़ा सा ही रह गया, अब चलते रहो। अग्रिम सेना, और अग्रिम सेना के बड़े मेंबर वो रहे सीनियर, सबसे पीछे सीनियर। फिर एक होगा कहाँ पे, राउत की पठली, रोहतक पठली में, हाँ पठाली क्या होता है, अच्छा। तो अब हमारा दूसरा स्टॉप वहीं पे होगा। फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा फल फूल खा के निकल गए, हमारी बादल सेना, अग्रिम सेना। तो चले अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, उस साइड तो धूप आ रखी है, पता कौन सा गांव है वो, पता नहीं कौन सा गांव, अब चलते हैं यहाँ से सारे। तो गाइस पता नहीं कौन सा गांव है मेरे को, एक्चुअल में पता नहीं है। फिलहाल यहाँ से चलते हैं अब सारे आगे, और कमेंट में बता रहे ना कौन सा गाँव है अगर आपको पता होगा तो। ऑलराइट गाइस, हमने एक जंगल पार किया, अब ये दूसरा जंगल आ गया। और यह जंगल का रास्ता देखो कितना बढ़िया है, एकदम सीधा सीधा, जो बड़े बड़े रास्ते थे चढ़ाई वाले वो हमने पार कर दिए हैं। और अब ये वाले रास्ते हैं, हम यहाँ से धीरे धीरे जाएंगे आगे। हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, और उस साइड थोड़ा मौसम खराब हो रखा है। तो बाकी हमारी अग्रिम सेना पीछे आ रहे हैं, वो देखो यहाँ ऊपर जंगल में लोग आ रखे हैं घास घूस काट रहे हैं ऊपर। यहाँ शायद बाघ भूख भी आते होंगे, क्योंकि जंगल ही जंगल है ना, पूरा खतरनाक जंगल। ये देखो ऊपर के फूल लग रखे हैं, ये देखो कितने सारे। बाकी ये रुद्रप्रयाग भी रास्ता जाता जंगल जंगल होके। ये देखो यहाँ बुरांस लगा हुआ है, बुरांस के फूल कितने सारे बुरांस लग रखे यहाँ पे। ये देखो पीछे जा रहे लग रखे थे एकदम लाल, ये देखो ये बुरांस के फूल, वो ऊपर बुरांस 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 का फूल तोड़ के ले जाते जूस बनाने के लिए। फिलहाल यहाँ लोग इन्हें दूर रखे घास काटने। ये रे ये देखो जंगल में भयंकर नहीं खतरनाक जगह है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लोग जय जय माता दी, लोग देखो लोग कहाँ कहाँ रखे घास काटने। ओ क्या बढ़िया व्यू लग रहा है यहाँ से, क्या मस्त। अभी और पता नहीं हमने कहाँ जाना है, फिलहाल चलते जाते। और ये रहा इसका गाँव, यहीं पर ही है पिपली में, ये यहीं का ही है। ओ भाई वाह क्या बढ़िया व्यू है। फिलहाल हम तो डोली के साथ साथ जा रहे हैं, डोली वाले सबसे आगे निकल गए। और यहाँ देखो वाओ क्या भाई क्या मस्त भैया, के बुग्याल टाइप लग रहा है इतना, कितना बढ़िया। फिलहाल मैं और ये आगे, बाकी सब पीछे, अभी हमारी नोना गैंग तो पीछे है। हम दोनों आगे, मैं चलता हूँ आगे, फिलहाल डोली वाले सबसे आगे, उनको पकड़ना है हमने। गाइस ये चेक करो, ये पता नहीं कौन सा जानवर है, ये देखो बाघ ने खाया हुआ है भयंकर, ये चेक करो। फिलहाल लुकियान में पहुंची और डोली वाले सबसे आगे भागी जा रहे हैं, उनको पकड़ना हमने। और ये वाला ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ब्लॉग पूरा देखना, मिस मत करना पूरा ब्लॉग पूरा देखना। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, तो चलो चले जय हरियाली देवी। चलो यहाँ जंगल में लोग है, आवाज आ रही है उधर से, ब्रास के फूल देखो क्या लग रखे एकदम लाल। ये देखो कितने सारे ब्रास ही ब्रास लग रखे। यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, क्या है यहाँ पे, अच्छा अच्छा यही चीज, हाँ सब जितने भी हैं, हाँ अच्छा ये खांकरा जाता है, अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे खाने के लिए हम काजू किशमिश वगैरह चुहारे वगैरह लेके आए थे, हल्के फुल्के चीजें, ताकि रास्ते में हल्का फुल्का खाते रहे फल फ्रूट जैसे। ये वाली जो चढ़ाई है ये है सबसे बड़ी चढ़ाई, इसके बाद ज़्यादा है नहीं, इसके बाद तो सीधा ही सीधा है। फिलहाल यही जो चढ़ाई है वो मेन चढ़ाई है, बाकी ऑलमोस्ट हमने सारी कवर कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे आ रही है अपनी गैंग पूरी, ये देखो
सारे मिल गए थे यहाँ पे, तो हमने सोचा सारे इकट्ठे जाएंगे ये चढ़ाई पे। तो यहाँ पे लोग भी आ रहे, घास घूस काटने आ रखे होंगे। इधर भयंकर खतरनाक चट्टान है ये, तो ये देखो ऊपर तक भयंकर चट्टान। अभी हमने कहाँ से जाना अब? अच्छा यहाँ जाना है, जंगल ही जंगल से। मस्त एक्सपीरियंस है ये, पहली बार आ रहा है तू। ये भी एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा जिंदगी भर, ये चेक कर सकते हो आप। और चेक करते रहना, और ब्लॉग लंबा जाएगा बहुत ज़्यादा, तो शेयर भी करते रहना, दबा के फुल ब्लॉग देखना। अरे जैसे जैसे ऊपर चढ़े मज़ा आ रहा है, थकान तो लगने नहीं रही है, बस थोड़ी देर जब बैठ रहे तब लग रही है। चलते टाइम कोई थकान थकान कुछ नहीं लग रही। मज़ा आ गया, पहुँच गया हम आधे रास्ते से थोड़ा ज़्यादा। और ऊपर अभी एक व्यू आता है रोहतक की पठाली, जहाँ मैं बोल रहा था, और वहाँ से दिखता पूरा गांव सब जगह, जहाँ से जैसे मैं अपने घर से दिखा रहा था व्यू हमारे घर से, वैसे ही दिखता है। फिलहाल ये हम चार ही हैं, एक दो तीन चार पाँच, हम पाँच ही अभी ऊपर आए, बाकी नीचे आ रहे डोली के साथ। और ये पीछे जंगल देखो, इधर ये पूरा जंगल है, वो देखो भयंकर की खतरनाक जंगल। नीचे आपने देखा था ना, पता नहीं वो क्या मरा था, बाघ ने मारा था, बाघ भी होते इधर। तो यहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं तब तक वो भी आएंगे, फिर यहाँ से चलेंगे सारे साथ में। ऑल राइट गाइस, हम यहाँ पहुँच चुके हैं रोहतक की पठाली में। ये रही रोहतक की पठाली, अब जाके यहाँ पहुँचे। ये देखो फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अभी रुक, इस पठाल की क्या कहानी है, इस पठाल के बारे में थोड़ा सा बताओ, इस पठाल के बारे में, यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताओ। ला रहे थे और उसके बाद ये लहर के लाद, पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया है। अच्छा इसलिए यहीं पे स्थापित हो गया। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। और ये देखो हम पता नहीं कितने पहाड़ क्रॉस करके आगे, ये देखो अभी दिखाता हूँ आपको हमारा गांव। इस साइड से जाता हूँ मैं, इधर से दिखाता हूँ ऊपर। हमारा गांव तो नहीं दिखेगा, मुश्किल है, बट जो भी दिखेगा यहाँ से दिखाऊंगा व्यू आपको। ये देखो ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा, पता चल रहा हवा आ रही है और मैं नीचे गिर रहा हूँ। ये पता नहीं कौन सा रहा हमारा गाँव, तो पता नहीं इस पहाड़ के बैक साइड है, कितने पहाड़ हम जंगल ही जंगल पहाड़। मंदिर देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे, ये हमारे गांव से दिखता है, पता नहीं कहाँ पे हमारा गांव, यहाँ मेरे को पता भी नहीं चल रहा है। ये दिखता है हमारे गांव से, हवा ऊपर इतनी तेज हवा चल रही है ना, बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ ऊपर आके। आवाज़ पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, आगे मत जा हवा चल रही है।